क्या 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 जान तू खाओ क्या। और ये लड़का अकेले अकेले खा रहा है के नगर में। राधे राधे भाई, कल इतना उपाय हम लगाए कि चूहा ना आ पाए घर में, लेकिन तब भी चूहा घर में चला आया। और सुबह ही सुबह पापा पूरा कपड़ा उपड़ा सब फैला दिए हैं बेड पे, ये देख रहे हैं, ये पूरा इधर से उधर कपड़ा फैला बेड पे, क्योंकि वो अपना कपड़ा ढूंढ रहे थे और वो कपड़ा मिला नहीं, तो ये सोचें कि इधर उधर सब पूरा ढूंढ लिए, कपड़ा फैला दिए, लेकिन वो जो उनका कपड़ा था वो चूहा लेके चला गया सोफे के नीचे आज सुबह मिला है। बताओ, इतना दिमाग खराब कर दिए चूहा। हाँ, सर्दी भी होगी हमको, दो दो दिन तीन दिन दिन पे होती रहती है उनको सर्दी, ये तो आम बात हो रखी। छोड़ो मम्मी, क्या बना रही हो? पापा भोग लगा रहे, भगवान को खाना खिला रहे, भोग चोखा बना रहे हैं ना। हमारी तो हालत खराब हो जाती भाई, क्या बताएं हम। कल वो पूजा वूजा वाला साफ किए हैं तो उसकी वजह से धूल मिट्टी अंदर गई। मुझे पता था कि रात में दिक्कत होने वाली है, रात में दिक्कत तो हुई ही, उसके बाद क्या हुआ कि अब सुबह अभी नहाए वहाए हैं तब से सर्दी जुखाम भी हो गया। बाटी चोखा इतने खतरनाक बनी है, बहुत मस्त, लो मैं खा दो। वाओ, सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, वेरी टेस्टी। मम्मी जो है कुकर में बाटी बनाती है, उतना मस्त बनता है कि रियल वाली। वाओ, कर रही कहाँ? आज ही है क्या एनिमल? आज ही फंक्शन है तुम्हारी? बटन ते हैं से लौकन तुम्हारी नर, बंद करो बटन। एक बटन खुली है तुम्हारे अंदर, वो बंद करो। बढ़िया से नाचना है, पैंट वेंट थोड़ा, पैंट वेंट थोड़ा टाइट रखना, नहीं तो खुल उल जाए वहाँ डांस कर। स्कूल में ड्यूटी लगी आज इसकी, पहले पहले मैडम को लगाना, धीरे धीरे कहेंगे क्या कर रहे हैं, सीख रहा हूँ जा रहा हूँ, जस आज ही उसका एनुअल फंक्शन, वो उसके दोस्त तो सब आ रहे हैं। हाँ जा रहा है वो, नीचे देखो जा रहा है जंगल में। ये पूरा वो है, इसको कहते हैं पालक है, अरे कुकरौधा कहते हैं इसको, पालक जैसे लेकिन लग कुकरौधा भाई, हम लोग अमरूद तोड़ने जा रहे। ये पूरा इधर से हम लोग आए हैं, पूरा देख रहे हैं जंगल हमारा। जान रहे पांडे जी, देखिए इस पे, इस पे देखिए, ये है इस वाले में है, लाल वाले हैं बहुत बड़े बड़े हैं। इस बार तोड़े हैं काफी अमरूद, तोड़े हैं। किस में से तोड़े हैं? इसी में से। कैसे? बांस से उठा उठा के। इसी में से चलिए तोड़ा जाए, इसमें बहुत बढ़िया है, वाले हैं लाल वाले हैं, उस दिन हम तोड़े थे लगभग आधा किलो अमरूद। ओह नो, चला जाए क्या उधर ही, नीचे चलना पड़ेगा। और क्या, और पक गया, पके क्या जान दो खाओ, गिर जाएगा सब नीचे में लग रहा है, गिरेगा तो नीचे में, एक गिर गया। अरे मुन्ना भाई जा रहे हैं, मैं गिर ना जाऊं। और ये लड़का अकेले अकेले खा रहा है खड़ाओ के नगर निगम पे। ओ चले, बस बस खत्म हो जाए। मोहित भाई अंदर गए सलून में, उनके जानने वाला है ना वो, वहाँ हम लोग का मन नहीं था, चाय वाय पी लिए हैं और ये समोसा खा ले फिर चला जाए।
देख ऑफ आ जाओ, हम लोग करते हैं लोगों को। नहीं नहीं गाइस, साफ है पूरा। झूठ बोल रहा है। और जिस पेड़ पे हम उस दिन चढ़े थे, आज उस पेड़ पे फिर से आ चुके हैं। एक लोग और ये बेचारा आड़स जाता हरदम। अरे अरे देखिए भाई, चप्पल फंस गया, चप्पल फंस गया, ये दोनों चप्पल इसका फंस गया वहाँ। यही वाला है पेड़ जिसमें लाल अमरूद रहते हैं, लाल लाल बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ। क्या क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तब से आने के बाद अब जाके सब काम खत्म, एडिट वगैरह कर लिए, थोड़ा बहुत मोबाइल से देख वेख लिए हैं, पढ़ वढ़ लिए हैं और निकले हैं, थोड़ा निकल रहे हैं। अनीस पीछे पॉइंट टंकी के पास, वहाँ वैभव अकेडमी है, वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ फंक्शन चल रहा है। वो जो सुशी स्कूल में पढ़ता है, एनुअल फंक्शन है ना आज उसका, तो अभी तक चल रहा है। और वो मेरे को दोपहर में कॉल किया था अनीस, हम कहे थे बहुत घूम लिए थे हम, नहीं थोड़ा और भी, हाँ अभी तक चल रहा है। तो अभी फिर से कॉल किया कि आओ, तो मैं अब निकल रहा हूँ, थोड़ा पढ़ाना वरना सब देखना जरूरी है। क्या हो रहा है, अभी तक चल रहा है तो वहीं जा रहे हैं थोड़ा। गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं वैभव अकेडमी, और अनीस इसके पहले ही आके दो तीन प्लेट पकौड़ी खा चुका है। अभी बता रहा था लोग से, हम लोग जा रहे हैं खा चुके ना, बेइज्जती नहीं करवा रहे। ये देखिए चल के आपको, ये देखो ये बच्चों के साथ लग गया। माँ जिसको भी जलने दे वो पौधा सुंदर बन जाता है, माँ के चरणों को छू कर पानी गंगा जल बन जाता है, माँ के आंचल को। फंक्शन देख रहा था और प्रिंस को जाना था चंदन हॉस्पिटल दवा वाले ने, तो हमको लेके चले आइए। और अनीस अरुण वहीं पे है, चंदन जो वहाँ पहले जो जाता है ना, इसी पे है लेना दवा, लेना है चढ़ा दे क्या ऊपर ऊपर कहाँ चढ़ा दोगे भाई, नीचवा से ले लो, ऊपर मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो प्लीज। ये नहीं लगा रखे हैं क्या बताओ, ये चंदन हॉस्पिटल है गाइस,
और लाइटिंग का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग देखिए, दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्या करते हैं। अभी कोई मरीज आ रहा हो, लंगड़ा लूला हो, तो बताओ उसको देखेगा ना तो गिर नहीं जाएगा, कैसे आएगा? ये है हमारा चंदन, वो ले रहे हैं यहाँ से। कितनी बड़ी मेडिसिन की दी है। ये चंदन हॉस्पिटल। खा के और लेटे हुए हैं। मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ, नेट थोड़ा स्लो चल रहा था तो काफ़ी टाइम हो गया, 40-50 मिनट लग गए मुझे ब्लॉग डालने में। और पापा कह रहे हैं तुम बाहर घूमो, इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। और मैं जब अभी बाहर से आया था तो वो पूजा के लिए डंडी वंडी लेके आया था लगाने के लिए कि हवा हवा ना जाए भगवान के लिए। एक मैं लेके आया था पहले ही, लेकिन उस डंडी से ऐसे कर्व तो हो जा रहा था लेकिन टेक लगाने के लिए डंडी नहीं थी। मम्मी इतने दिन से कह रही थी ले आओ, लेकिन मैं भूल जा रहा था। तो आज मम्मी याद दिलाई थी तो मैं गया रूम के यहाँ, वहाँ से डंडी ले आया था तो लगा होगा दिया। और मम्मी मेरी, मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट आया था थोड़ी देर पहले, तो क्या वो मेरी मम्मी पूरा, हम सोचते थे कि सिर्फ आगे पर्दा लगेगा और मम्मी नीचे ऊपर सब जगह पर्दा लगा दी कि भगवान को हवा ना लगे, क्योंकि भगवान पहले ठंडी जब गर्मी थी तो उनको हवा चाहिए होता है, तो हम लोग के साथ रूम में सोते थे। और अब क्या है, अब यहीं सोते हैं अपने जगह पे, अपने बेड पे। तो क्या है कि पूरा उम्मीद छा दी ठंडी में, ये देख रहे हैं, ये देखिए पूरा देख रहे हैं। मैं डंडी लेके आया था इधर से, पूरा ऐसे लगाया है कर्व, ऐसे कर्व डंडी है, यहाँ पे डंडी सीधा लगाया वहाँ पे, और मम्मी मेरी पूरा इसको पंडाल बना दी, आगे से बंद ऊपर से भी ढक दी कि थोड़ा भी हवा भगवान को ना लगे, समझ रहे ना आप? सो रहे होंगे आराम से, लाइट बंद कर देते हैं। हाँ नहीं, बढ़िया की, बहुत अच्छा है।